नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके से YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों अगर आप एक CSE BLE हो तो आज की इस वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको CSE से रिलेटेड बहुत ही बड़ा अपडेट यहाँ पर शेयर साझा करने वाले हैं आप सभी के साथ। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं, जानते हैं नए अपडेट के बारे में। दोस्तों आज की डेट में अगर आप जैसे ही अपना CSE पोर्टल लॉगिन करने जाओगे, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर जैसे ही अपना CSE लॉगिन किया तो यहाँ पर देखिए आ चुका है योर ईयरली EKYC डू प्लीज कंप्लीट योर KYC प्रोवाइड रिसेंडर एंड क्योर्स एड्रेस प्लीज कंप्लीट योर KYC। तो यहाँ पर आपको एक छोटी सी KYC करना अनिवार्य है। अगर आप एक KYC समय पर रहते हुए नहीं करते हो तो आपका क्योर्स ID बंद हो सकता है, टेम्परेरी या फिर परमानेंट। तो यहाँ पर इस चीज़ को इग्नोर बिल्कुल भी मत कीजिएगा। KYC करने के लिए सिंपली यहाँ पर अपडेट नाउ का बटन दिया गया है, जिस पर आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको डालना होगा आधार नंबर, जो भी आपका आधार नंबर हो उसे डालें। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। इसके बाद दोबारा से जो डिस्ट्रिक्ट ग्राम जो भी है उसे डालिएगा। इसके बाद पिन कोड जो भी आपके गाँव का लगता है उसे डालिएगा। इसके बाद आपको अपना परमानेंट पूरा एड्रेस यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम, यहाँ पर आपकी दुकान गवर्नमेंट की है, रेंट पल्ली है या फिर खुद की घर की है, यहाँ पर आप शहरी ग्रामीण जो भी हो, अर्बन हो शहरी हो तो शहरी भरें। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें। इसके बाद दोबारा से आपको अपना ग्राम या फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसे सिलेक्ट करना है। इसके बाद सिटी आपकी जो भी हो उसे सिलेक्ट करें। यहाँ पर वार्ड यानी कि आपको वार्ड में लिखना है, जैसे कि आपका 7 वार्ड है तो उसे 7 लिख सकते हो, 11 वार्ड है तो 11 लिख सकते हो, इंग्लिश में लिख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर नगर पालिका नगर निगम क्या है आपका या फिर नगर परिषद, जैसे कि आपका छोटा मोटा शहर है ग्राम के लेवल का तहसील वगैरह है तो उसे आप नगर परिषद डालोगे, और अगर आपका छोटा मोटा जिला है तो वहां पर आप नगर पालिका, अगर बड़ा जिला है तो नगर निगम, ठीक है ना। अगर ब्लॉक है तो ब्लॉक यहाँ पर भर दोगे, ठीक है ना। इसके बाद पिन कोड यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर पैन कार्ड डालने के बाद वैलिड बटन पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर पिक्चर कैप्चर डालें और यहाँ पर राइट टिक करें और नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो आपका CSE का KYC वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूले, साथ ही साथ दिए गए Instagram ID को भी फॉलो करें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।